हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मोलस्का, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा फैमिली के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हमने पॉरीफेरा से शुरू किया था, फिर सिलेंट्रेटा, लेटी हेलमेंथीस, एसके हेलमेंथीस जिसको निमेटोडा भी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का तीनों में की कॉमन प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इनकी जो शरीर होता है द्विपार्श्व सममित होता है और ट्रिकोलर संरचना पाई जाती है जिसमें तीन उत्तकीय संरचना होती है और देहगुहा तो पाई जाती है। देहगुहा जो होती है उसमें वो बहुत ही स्पष्ट होती हैं इन तीनों में। अब हम इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। इकाइनोडर्मेटा जो संग है, ये जो इकाइनोस जो शब्द है, ये इसका मतलब होता है जाहक, हेजडॉग, और डर्मा का मतलब होता है त्वचा। जाहक तो एक जीव होता है छोटा सा ब्राउन कलर का जिसके शरीर पे कांटे होते हैं, उसको हम हेज हॉग बोलते हैं, और डर्मा यानी त्वचा। तो ऐसे जीव जिनकी त्वचा पे त्वचा हेज हॉग की तरह हो, मतलब इनकी त्वचा पे कांटे पाए जाते हों, उनको हम इकाइनोडर्मेटा संघ की श्रेणी में पाए जाते हैं। तो इन जंतुओं के शरीर पर कांटे पाए जाते हैं। ये मुक्त जीवी समुद्री जीवी हैं। इनकी ये देह गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु होते हैं। इनमें विशिष्ट जल संबंध नालतंत्र पाया जाता है जो इनके चलने में सहायक होता है। तो जल संबंध नालतंत्र जो होता है इनके चलने में सहायक होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। तो आपको पूछे कि कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल कौन से संघ के जंतुओं में पाया जाता है, तो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। इनके जो उदाहरण हैं वो स्टारफिश, समुद्री अर्चिन आदि। तो ये जो उदाहरण है, इनके शरीर पे कांटे पाए जाते हैं। तो पंख तारा जिसको एंटेडॉन भी बोलते हैं, होलोथूरिया समुद्री खीरा, इकाइनोस समुद्री अर्चिन, एस्टीरियस तारा मछली, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा जो संघ है वह द्विपार्श्व सममित होता है, त्रिकोरिक होता है और देहगुहा युक्त होता है। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाता है, जैसे कि नोटोकार्ड। तो इनकी कुछ नए संरचनाएं पाई जाती हैं, इनमें नोटोकार्ड पाए जाते हैं। ये लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होता है, मतलब जीवन की कुछ ही अवस्थाओं में ये नोटोकार्ड पाए जाते हैं। अब ये नोटोकार्ड है क्या? नोटोकार्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पीछे के भाग पर पाई जाती है। तो नोटोकार्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पीछे भाग पर पाई जाती है। ये तंत्रिका उत्तक को नाहर नाल से अलग करती है। तो जो नोटोकार्ड है वो तंत्रिका उत्तक जो होता है उसको आहार नाल से अलग करती है। आहार नाल और तंत्रिका उत्तक के बीच में ये नोटोकार्ड पाया जाता है। और ये जो नोटोकार्ड होता है पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करता है, यानी जहाँ पेशी आके जुड़ती है वो नोटोकार्ड से आकर जुड़ती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे चलने में आसानी होती है। प्रोटोकार्डेट जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकार्ड नहीं उपस्थित रह सकता है। ये समुद्री जीव है। इसके उदाहरण है ब्लेनाग्लोसस, हर्डमेनिया एम्फियोक्सस। ब्लेनाग्लोसस, हर्डमेनिया एम्फियोक्सस, ये इसके उदाहरण है। यहाँ पे एक ब्लेनाग्लोसस का चित्र भी दिया हुआ है। तो 9th क्लास में चित्र का इतना वो नहीं है, नाम इम्पोर्टेंट होता है कि आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। अगला जो संघ है हमारे पास में वो है वर्टिब्रेटा। हमने देखा कि प्रोटोकार्डेटा जो है वो उसमें नोटोकार्ड पाया जाता है और जीवन की हर अवस्था में नहीं पाया जाता, जिससे इससे पहले जो नवी संघ थे उसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता। अब हम कशेरुकी की बात करेंगे। वर्टिब्रेटा कशेरुकी, इनको कशेरुकी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें वास्तविक मेरुदंड पाया जाता है और अंतःकंकाल भी पाया जाता है। अंतःकंकाल और मेरुदंड पाए जाने के कारण इनको कशेरुकी कहते हैं। और जो मेरुदंड से पेशियां और कंकाल जुड़े रहते हैं, कंकाल से पेशियां जुड़ी रहती हैं, इसलिए चलने में सहायक होते हैं। ये भी द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरिक और देहगुहा वाले जंतु हैं।
इनमें उत्तकों और अंगों का जटिल विभेदन पाए जाते हैं। तो जटिल विभेदन होता है, इनमें कुछ लक्षण है जैसे नोटोकार्ड पाया जाता है, पृष्ठ नलीय कशेरुक दंड पाया जाता है, मेरुरज्जु पाए जाते हैं, त्रिकोणिक शरीर होते हैं, युग्मित क्लोम थैली होती है और देह गुहा भी पाई जाती है। वर्टिब्रेटा जो कशेरुक की है, जिनमें कंकाल पाए जाते हैं, मेरुरज्जु पाया जाता है, उनको पांच वर्गों में हम विभाजित करते हैं। सबसे पहला वर्ग जो है वो मत्स्य वर्ग है। मत्स्य वर्ग जो होता है, मत्स्य वर्ग में मछलियाँ आती हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। तो मछलियों की क्या विशेषता होती है, इनके शरीर पे स्केल्स होते हैं जिनको शल्क बोलते हैं, और शल्क को ही शल्क प्लेटों की जैसे संरचनाएँ होती है, यानी मछलियाँ प्लेटों से ढकी हुई रहती हैं, और जो मांसल पूँछ होती है इसकी, मांसल पूँछ होती है उसकी सहायता से तैरती हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय का मतलब होता है स्ट्रीमलाइंड होता है, मतलब इस तरीके से होता है कि पानी में जब ये तैरती हैं तो ये आसानी से तैर सकती हैं, इस तरीके से इनकी डिज़ाइन होती है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं। तो मछलियाँ जो श्वसन क्रिया करती हैं वो क्लोम की सहायता से करती हैं, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो क्लोम जो होता है वो श्वसन करती है, तो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो जो मछली मत्स्य वर्ग है उसका जो हृदय होता है द्विकक्षीय होता है, ये ध्यान रखिए आप। ये अंडे भी देती हैं, मछलियाँ अंडे देती हैं। कुछ मछलियाँ में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है। उपास्थि उत्तक के बारे में मैंने उत्तक वाले चैप्टर में बताया है। तो कुछ मछलियों का कंकाल उपास्थि से बना होता है, जैसे कि शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों का कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना और रोहू। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है कि किसका कंकाल उपास्थि का बना हुआ है और किसका कंकाल अस्थि का बना हुआ आता है। अब कई सारी मछलियाँ हैं, जैसे ये मैंडारिन फिश, लॉयन फिश, एंगलर फिश, विद्युत रे जिसको टॉर्पिडो बोलते हैं, स्टिंग रे, और डॉग फिश, इसी तरीके से लेबियोरोहिता, दरियाई घोड़ा, नर हिप्पोकैम्पस, एक्सिसिटस, एनावास, ये सब मत्स्य के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट कशेरुकी है, वो है जल स्थलचर एम्फीबिया जिसको बोलते हैं। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। मत्स्य वर्ग में शल्क पाए जाते हैं, लेकिन एम्फीबियन में शल्क नहीं पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, श्लेष्म ग्रंथियाँ मतलब जिसमें से थूक निकलता है वो वाली ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। जिस प्रकार मत्स्य द्विकक्षीय हृदय वाले होते हैं, यहाँ पर एम्फीबियन जो होते हैं वो त्रिकक्षीय होते हैं। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है, इनमें वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन दो तरीके से हो सकता है, या तो क्लोम के द्वारा हो सकता है या फेफड़ों के द्वारा हो सकता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं, ये भी मछलियों की तरह अंडे देते हैं। ये जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। इनके उदाहरण हैं मेंढक, सेलामेंडर, टोड इत्यादि इनके उदाहरण हैं। अब हम सरीसृप की बात करें। सरीसृप भी असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका हुआ होता है। मत्स्य वर्ग में शल्क पाए जाते हैं, एम्फीबियन में शल्क नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सरीसृप में शल्क पाए जाते हैं। श्वसन जो होता है फेफड़ों के द्वारा होता है। हमने देखा मत्स्य वर्ग का श्वसन क्लोम द्वारा होता है, एम्फीबियन जो होते हैं उनका श्वसन फेफड़ों के द्वारा भी हो सकता है और क्लोम के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन सरीसृप का श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय त्रिकक्षीय होता है जैसा एम्फीबियन में होता है, और मगरमच्छ जो होता है वो एक अलग है, उसका हृदय चार कक्षीय होता है। इनमें भी एम्फीबियन की तरह वृक्क पाया जाता है। ये अंडे देने वाले प्राणी हैं सभी की तरह। इनके अंडे कठोर कवच से ढके हुए होते हैं तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरणार्थ कछुआ, छाप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब सरीसृप वर्ग में आते हैं। पक्षी की बात करें तो ये भी समतापी प्रणाली है, प्राणी हैं। इनका शरीर चार कक्ष, इनका शरीर का हृदय चार कक्षीय होता है, मतलब शरीर में चार कक्षीय हृदय पाए जाते हैं,
जोड़ी पैर होते हैं इनके, आगे वाले पैर उड़ने के लिए काम, आगे वाले दो पैर होते हैं उड़ते समय पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आगे वाले दो पैर जो पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, शरीर परों से ढका हुआ होता है, शरीर होता है परों से ढका हुआ होता है, मतलब आगे जो पंख होते हैं वो ही इनके दो पैर होते हैं। श्वसन इनका फेफड़ों द्वारा होता है। इन स्वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है, जितने भी पक्षी होते हैं इनके इस वर्ग में, और ये भी अंडे देते हैं आपको पता ही है। स्तनपाई की बात करें, ये समतापी प्रणाली, इनके हृदय चार कक्षीय होते हैं। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, मतलब दूध की ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये बच्चे सीधा ही पैदा करते हैं। इनकी त्वचा में बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं इस वर्ग। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे इक्डिना, क्लेटिपस, कंगारू जैसे कुछ स्तनपाई में अविकसित बच्चे मार्सुमियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक उसमें पूर्ण विकास नहीं होता। जैसे मनुष्य, चूहा, चमगादड़, बिल्ली, व्हेल, ये सब स्तनपाई हैं, स्तनपाई वर्ग में आते हैं। नाम पद्धति, जीवों के वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।